दोस्तों सत श्री अकाल, नमस्कार, सलाम। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि सेफ जो है वो शायद जून के अंदर एक नई एजेंसी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो दोस्तों सेफ के कन्वर्ट होने से हम लोगों को या आने वाले वक्त के अंदर जो लोग यहाँ की इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं या करेंगे उन्हें क्या फर्क पड़ेगा और क्या हमें इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए कि नहीं, आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं आज की वीडियो स्टार्ट करूं, मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर हो सके तो जरूर हमारा जो पुर्तगाल का ग्रुप है फेसबुक का वो ज्वाइन करें, क्योंकि पुर्तगाल के रिगार्डिंग अगर कोई भी छोटी बड़ी इंफॉर्मेशन है मैं सबसे पहले ग्रुप में शेयर करता हूँ। और इसके अलावा हमारा एक फेसबुक का पेज भी है ईयू इमिग्रेशन कंसल्टेंट करके, जहां पर आप कोई भी इंफॉर्मेशन ईयू इमिग्रेशन के रिगार्डिंग पूछ सकते हैं। अगर मेरे पास भी जो इन्फॉर्मेशन है लेटेस्ट कि कौन कौन सी ईयू कंट्रीज के अंदर आप आकर के सेटल हो सकते हैं, यहां का पासपोर्ट ले सकते हैं, जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी मैं अक्सर उसी पेज के अंदर शेयर करता हूँ। अगर आप लोग मुझे कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं दोस्तों तो आपके पास दो ऑप्शन अवेलेबल है। पहला इंस्टाग्राम का बारकोड आपको शो हो रहा होगा, अगर आप लोग उसे अपने अकाउंट से इंस्टाग्राम के अकाउंट से स्कैन करेंगे तो वो आपको मेरे अकाउंट तक ले आएगा। और इसके अलावा दोस्तों फेसबुक मैसेंजर भी है, लिंक जो है दोनों के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और अगर दोस्तों हम बात करते हैं फर्स्ट ईमेल की, तो मेरा ख्याल है भी 24-25 सितंबर 2020 तक जिन लोगों की फाइलें लॉक हुई थी उन लोगों को शायद रिसीव हो रही होगी पहली ईमेल। और सेकेंड ईमेल दोस्तों जरूरत से ज्यादा वक्त लग रहा है, क्योंकि जहां तक मुझे याद है फिंगर्स की अपॉइंटमेंट की जो डेट है वो 15 अगस्त 2020 तक सभी लोगों को मिल चुकी है और 16 अगस्त से अब फिंगर्स की डेट जो है वो इशू होंगी, पर अभी ये कहना बहुत मुश्किल है कि कितना टाइम और लगेगा। और हो सकता है शायद कल ही आ जाए या हफ्ते भर में आए या 10 दिन में आए, पर हम यही उम्मीद करते हैं कि जल्दी आए। तो दोस्तों आज की वीडियो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है, क्योंकि अभी हाल ही के अंदर मेरे से एक दो लोगों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था जो सेफ से रिलेटेड है, और उन लोगों ने इस चीज का हवाला दिया था कि सेफ जो है बहुत जल्दी चेंज होने वाली है, तो आप पहले पहले अगर इस चीज को सॉर्ट आउट कर लें तो आपके लिए अच्छा रहेगा, अदरवाइज आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि सेफ जो है वो अब वो एक नई एजेंसी में चेंज होने जा रही है। जून, मेरा ख्याल है कि शायद 11 जून के बाद वो चेंज हो जाएगी। अगर पोस्टपोन हुई होंगी तो मेरी अभी जानकारी में नहीं है, पर जितनी जानकारी मुझे अभी कुछ ही दिन पहले मिली थी कि 11 जून को शायद सेफ बदलने जाएगी। तो दोस्तों अब सेफ अगर चेंज होती है तो असल में होगा क्या? तो दोस्तों सबसे पहले सवाल तो यही बनता है कि अगर सेफ बदल जाती है तो क्या पेपर लॉक होने बंद हो जाएंगे या फाइल सबमिशन जो होती थी आर्टिकल 88-89 या और कुछ, क्या ये सब बंद हो जाएंगे? तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी चीज बंद नहीं होगी। जो अभी तक जैसे चल रही है वो वैसे ही चलेगी, क्योंकि अभी तक इस तरह की कोई भी नोटिफिकेशन सेफ की तरफ से या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो इमिग्रेशन को जो चलाते हैं उनकी तरफ से इस तरह का कोई भी नोटिफिकेशन अब तक नहीं आया कि सेफ बदलने के बाद ये चीजें हो जाएंगी। तो वो बिल्कुल आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आप जो आने वाले वक्त के अंदर जब सेफ बदलेगी तो कोई फाइलें बंद हो जाएंगी, कुछ नहीं होगा दोस्तों, सारा कुछ वैसे का वैसे ही चलेगा जैसे अब तक चलता आ रहा है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग अब जानते ही हैं कि सेफ बेसिकली चेंज होने के बाद उसकी जो पुलिस की पावर है वो बढ़ जाएगी, यानी कि अब जीएनआर और जो लोकल पुलिस है उसके पास भी इमिग्रेशन की अथॉरिटी चली जाएगी। अब वो भी टाइम पर किसी को भी पकड़ कर किसी को भी रोक करके पूछ सकते हैं कि अपने डॉक्यूमेंटेशन दिखाओ। अब दोस्तों एक्सपीरियंस मेरे से ये शेयर किया था किसी ने अपना कि वो उनको सेफ में बुलाया गया था और उनके जब वो सेफ में गए थे तो उन्होंने दो चीजें लॉक, एक तो यूक्रेन में उनका लगा हुआ था, उन्होंने अप्लाई कर दिया था, उनको निफ नंबर, निस नंबर, एसएनएस नंबर मिल गया और शायद उन्होंने 88.2 के अंदर भी अपनी फाइल सबमिट करवा दी थी
और जब सैफ ने उनको यूक्रेन के किसी पर्पज से बुलाया और जब उन्होंने पासपोर्ट की डिटेल डाली तो दोनों चीजें सामने आ गई, और 3-4 घंटे उनसे इन्वेस्टिगेशन की गई है कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट फेक था, ये NIST नंबर वगैरह ये गलत तरीके से बनाए गए हैं, हमें बताइए कौन था वो बंदा जिसने आपके ये डॉक्यूमेंट्स बनवाए हैं। तो अभी जाहिर सी बात है उन्होंने नाम नहीं लिया, जब जाने कौन है क्या है मुझे तो नहीं पता, पर इंपॉर्टेंट चीज ये है दोस्तों कि आगे जो सेफ की इमिग्रेशन ऑफिसर थी वो अच्छी थी, तो उसने वॉर्न किया उनको कि आप जल्दी से जल्दी जो ये डॉक्यूमेंट 88.2 के अंदर आप लोगों ने लॉक किए थे इसे हटा दें, क्योंकि सेफ जो है वो बदलने जा रही है और जीएनआर के हाथ में पावर आ जाएगी। अगर जीएनआर के हाथ में पावर चली जाती है और अगर उसने इन्वेस्टिगेशन खोल दी तो आप लोग मुसीबत में पड़ जाएंगे। तो दोस्तों अगर आप इस चीज को देखेंगे कि क्यों जरूरत पड़ रही है कि सेफ जो है अपनी पावर्स बढ़ा रहा है, इसका सीधा सीधा मतलब है दोस्तों कि सेफ इमिग्रेशन को अब इस चीज का पूरी तरह से अंदाजा हो चुका है कि यहां पर फेक डॉक्यूमेंट बना करके चीजें लोग रेजिडेंसियां ले रहे हैं। इस चीज को रोकने के लिए, इस चीज को पकड़ने के लिए जो ये स्वाभाविक सी बात है कि वो लोग जो है अब अपनी पावर जो है वो बढ़ा रहे हैं। तो इसीलिए दोस्तों मेरी आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि हम सब लोग ऑलरेडी जानते हैं कि पुर्तगाल के अंदर फेक चीजें बहुत हैं, फेक कॉन्ट्रैक्ट्स, फेक निफ नंबर, फेक जूनतास के लिए लोग पकड़े जाते हैं। और मुझे एक दो एक्सपीरियंसेस याद है, मुझे किसी ने इंस्टाग्राम के ऊपर ये चीज बताई थी कि जब वो फिंगर्स के लिए गए तो उनका जूनता डुप्लीकेट निकला, फेक निकला, और इन्वेस्टिगेशन उनके खिलाफ खुल गई और वो केस जो है वो कोर्ट में चला गया। तो दोस्तों मेरी आप लोगों से सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप पुर्तगाल आते हैं, आप किसी को हायर करते हैं कि भी मेरा टैक्स का डॉक्यूमेंट बनवा दो, मेरा सोशल सिक्योरिटी का डॉक्यूमेंट बनवा दो, मेरा जूनता बनवा दो, या जो भी डॉक्यूमेंट आप बनवाते हैं, जैसे ही वो डॉक्यूमेंट आपके हाथ में आता है आपने अपने लेवल पर अपने बेसिस के ऊपर उन सभी डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना है। कहीं ऐसा ना हो कि जिस दिन आपके फिंगर्स हैं तब जाकर के पता लग रहा है कि एक डॉक्यूमेंट बीच में से फेक निकल आया। जितने लोगों के डॉक्यूमेंट्स मैं भी बनवा के देता हूं 100% जेन्युइन होते हैं, और मैं उन्हें ये बात कहता हूं कि भाई अपने एंड पर आप लोग वेरीफाई करवा लें कि ये सही है या नहीं। क्योंकि दोस्तों जब भी कोई मुझे कॉन्टेक्ट करता है इस चीज का सबसे ज्यादा दुख लगता है कि यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको यूरोप में आए काफी काफी साल हो चुके हैं और वो सिर्फ और सिर्फ पुर्तगाल के उस फिंगर्स वाली डेट का इंतजार कर रहे होते हैं कि उनके फिंगर्स हों, कार्ड उनको मिले और वो फिर अपने अपने परिवार के पास वापस चले जाएं। पर ये दोस्तों बहुत ही एक दुखद बात है कि हम लोग कुछ पैसों के लिए अगले का पूरी लाइफ जो है वो खराब कर देते हैं, क्योंकि आपने तो उसको फेक डॉक्यूमेंट बना करके दे दिया, उसने आपके ऊपर ट्रस्ट किया और उसने उस चीज को वेरीफाई नहीं किया, और जब वो फिंगर्स के लिए गया वहां पर वो पकड़ा गया। इसी वजह से दोस्तों मैं आप सब लोगों को बार बार कहता हूं कि प्लीज बाय लॉ जो चीजें लिखी हैं आप उन्हें फॉलो करें, ऐसा ना हो कि आप इतने लंबे वक्त के बाद जब आप फिंगर्स के लिए जाएं और वहां पर जाकर के पता लगे कि कोई ना कोई डॉक्यूमेंट बीच में से गलत निकल आया। सारा कुछ जेन्युइन रखें, ओरिजिनल रखें, कोई बात नहीं है अगर आपसे कोई पैसे थोड़े ज्यादा भी मांगता है, क्योंकि काम जो है वो बिल्कुल ओरिजिनल होना चाहिए। है अगर पुलिस सेफ कोई भी अगर उस चीज को वेरीफाई करने जाए तो 101% वो चीज ओरिजिनल पाई जाए। तो ये दोस्तों मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज जब भी आप लोग कोई भी डॉक्यूमेंट बनवाते हैं किसी से, ऐसा ना हो कि आप फिंगर्स तक उस डॉक्यूमेंट को अपने पास ही रखे रखे बैठे हैं कि हम सीधा फिंगर्स पे ले जाएंगे, ऐसा ना हो। जिस टाइम वो डॉक्यूमेंट आपके हाथ में लगता है आप उसी टाइम उस चीज को वेरीफाई करें। अब सवाल ये उठता है कि वेरीफाई करें कैसे। दोस्तों टैक्स नंबर जिसके पास भी टैक्स का ऑनलाइन एक्सेस आ जाए वो डॉक्यूमेंट जेन्युइन है। सुग्रेंसा सोशियल सोशल सिक्योरिटी का जिसके पास भी ऑनलाइन एक्सेस आ जाए वो डॉक्यूमेंट जेन्युइन है, क्योंकि जेन्युइन है तभी वो लोग आपको एक्सेस देंगे, अदरवाइज वो आपको बता देंगे कि ये नहीं है, फेक है ये। जूनता अगर आप किसी से बनवाते हैं तो अपने आसपास जो भी जूनता का ऑफिस है वहां चले जाएं लेकर के, क्योंकि
कि सर आप मुझे ये बता दीजिए कि सर्टिफिकेट ओरिजिनल है कि फेक है। वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स का आप लोगों को पता ही है कैसे करना है, इसी वजह से दोस्तों कि जब भी आप लोग कोई भी डॉक्यूमेंट बनवाए उसे जरूर वेरीफाई करें। ऐसा बिल्कुल भी ना हो कि आप लोग फिंगर्स के टाइम पे आपको पता चले कि ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। दोस्तों दुख लगता है कि जब लोग फोन करके इस तरह की चीजें बताते हैं कि भाई मेरे फिंगर्स रुक गए हैं, 1 साल हो चुका है, 8 महीने हो चुके हैं, 10 महीने हो गए हैं, मेरे खिलाफ इन्वेस्टिगेशन ओपन हो गई है, और इसमें हमारी गलती नहीं है, हमें तो मालूम भी नहीं था कि ये डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है कि जेनवन है, क्योंकि हमने जिस पर ट्रस्ट किया था वो उसने तो हमको ओरिजिनल ही दिया, देना चाहिए था। इसी वजह से दोस्तों सिर्फ सेफ बदले चाहे ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके डॉक्यूमेंट सारे बिल्कुल सही हैं और ओरिजिनल हैं, आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। तो जिन भाइयों ने फाइल लॉक करवानी है, डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं, जैसे ही आपको डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं उन्हें वेरीफाई करवाइए। जिन जिन भाइयों को डॉक्यूमेंट्स मिल चुके हैं और उन्होंने अभी तक चेक ही नहीं किया है कुछ कि भाई वो ओरिजिनल है कि नहीं है कि क्या है, आप जरूर अपने सर्कल में देखिए, जो ट्रस्ट वर्दी बंदा है उसको पूछो। जैसे कि मैंने बताया कि जो कंसर्निंग अथॉरिटीज है आप उनसे भी जाकर के पूछ सकते हैं, टेलीफोन कर लीजिए, अपना सोशल नंबर बता दीजिए, अपना टैक्स नंबर बता दीजिए, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको दे देंगे कि हाँ ये जेन्युइन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सिर्फ वजह से कह रहा हूँ दोस्तों कि इतना लंबा वक्त, इतना कुछ बर्दाश्त करने के बाद, इतनी स्ट्रेस लेने के बाद, अगर एंड टाइम के ऊपर आकर के आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, ये बहुत दुखदाई है, बहुत स्ट्रेसफुल है दोस्तों। ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। हमारी यही दुआ रहती है कि जो भी फिंगर्स करवाने जाए कार्ड लेकर ही वहां से वापस लौटे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कार्ड आपके घर में आ जाए, ये लीजिए आपको रेजिडेंसी मिल गई है, आप अपनी फैमिली से मिले, जो आपने करना है अपना फ्यूचर बनाइए, कोई इस तरह का काम ना हो जिससे आपका फ्यूचर, आपकी लाइफ खराब हो। दोस्तों आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप भी काम करवाने के बाद वेरीफाई जरूर करें कि सब कुछ सही है या नहीं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों के कोई सवाल है तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए दोस्तों, मैं पूरी कोशिश करूंगा उनके सही जवाब देने की। इसी तरह से अपना प्यार और आशीर्वाद बना के रखिए दोस्तों। मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर एक नई जानकारी के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप सब लोगों का बार बार हार्दिक तौर से धन्यवाद।